वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी की जानिब से। आप सब लोगों को 14 अगस्त कमिंग सून मुबारक हो और वेलकम अगेन। और बात करेंगे हम उन खास गोल्ड मेडलिस्ट बच्चियों की जिन्होंने पाकिस्तान में नेशनल लेवल पे विन किया। पहले मैंने मिलवाया था हमारे दरमियान थी निम्रा एंड आसिया, और मेरे इस हाथ पे मजीद प्यारी प्यारी बच्चियाँ मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं मिलवाती हूँ, यहाँ पर मौजूद हैं शहवार नासिर से, और ये प्रोफेशनल आर्चर है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? मैं ठीक हूं। आप तो अर्तगुल देख के बहुत खुश होती होंगी, तीर कमानी चल रही है। बिल्कुल ऐसे ऐसा ही है जी। अच्छा लगता है। तो ये सर, मैं कभी कभी देखती हूँ बच्चियाँ, ये बॉक्सर हैं, ये तीर कमान यानी कि आर्चर प्रोग्राम करती हैं, गेम्स खेलती हैं, तो ये कहाँ से शौक पैदा हो गया गुड़ी? ये बस देख के हुआ था, इत्तेफाक से हमारी यूनिवर्सिटी में इंट्रोड्यूस करवाया था। गुड। और फिर वहीं से ज्वाइन कर लिया था। अच्छा, आपको ये अच्छा लगा जी? कभी निशाना चूकता तो नहीं है? नहीं, जब प्रैक्टिस होती है तो निशाना नहीं चूकता। ये कहाँ पर हमारे लिए ये सोच के कि भाई आपने ये तीर कमान खेलना है, ये कहाँ पर आप सोचते हो कि ये पाकिस्तान वर्ल्ड लेवल पर प्रेजेंट करना है? इसलिए बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर एज अ हॉबी भी खेला जा सकता है, लेकिन प्रोफेशनल लेवल पर अगर हम चाहें तो बहुत आसानी से इंटरनेशनली हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं पाकिस्तान को। अच्छा, कुछ ये भी होता है शहवार के कुछ चीज़ें पहले जो है ना पुराने दौर में पुराने तरीके से उसके ऊपर एम्प्लीमेंट्स होते थे, लेकिन जब हम लोग टेक्नोलॉजी के दौर में हैं तो उसको टेक्निकल एंड इलेक्ट्रिकल और इस तरह कर लिया। अब कुछ टेक्निकल चेंज हुए या वही वायर वही रॉड घूमी हुई और वही एक पतली सी लकड़ी और वही उसके निकल नहीं चेंज हो थी? वो होती है ट्रेडिशनल आर्चरी, हम करते हैं रिकर्व आर्चरी। देखा, हमें ये जो टोटल टेक्निकल और प्रोफेशनल है जी, डिफरेंट है, एडवांस है बहुत। मुझे अच्छी तरह याद है एक कार्टून आते थे, उसमें एक रॉड लगा के उसमें यूं करके वायर खींचते थे तो वो सीधा जाके निशाने पर लगती थी। वो भी एक चीज़ है? वो भी एक चीज़ है, लेकिन वो एक तरह की ट्रेडिशनल आर्चरी में ही आता है, लेकिन अब जरा सा डिफरेंट है जी, हमारे एडवांस लेवल ऑफ आर्चरी होती है। गुड। चले जी, हम आगे नेक्स्ट अपनी बच्ची की तरफ चलते हैं। गोल्ड मेडलिस्ट हैं मरियम तौसीफ, प्रोफेशनल आर्चर, ये भी वही है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हो दो एक इन दो अच्छा जी, आपने भी यही चूज किया इसलिए कि कॉलेज या यूनिवर्सिटी में थोड़ा एक अपॉर्चुनिटी मिली? जी बिल्कुल, हम एक्चुअली हम लोग एक यूनिवर्सिटी में तो एक प्लेटफॉर्म पे जब एक चीज हमें अवेल हो रही है तो उसको क्यों ना हम अवेल करें। और बेसिकली ये एक बहुत अच्छा स्पोर्ट है जो कि आपका माइंड डाइवर्ट करता है, आपकी आपका स्ट्रेस दूर करता है। तो यूनिवर्सिटी एंड ऑल द थिंग्स जो कि इंसान को जो है एक डिस्कम्फर्ट में ला रही होती हैं, तो आशी एक वन ऑफ द गेम एक ऐसा है जो आपको आपके कम्फर्ट जोन से निकाल के एक डिफरेंट कम्फर्ट जोन में डालता है, लेकिन उसमें मेहनत बहुत लगती है। क्या मेहनत? मतलब मेहनत एज इन आप कह सकते हैं कि आपकी सबसे ज़्यादा फिजिकल हेल्थ पे जो है ना डिपेंड करता है, आपका जो मेंटली खासतौर पे अगर आप मेंटली थोड़ा सा, मुझे लगता है जैसे आप कोई फोकस कर रहे हैं किसी चीज को और उसको टारगेट कर रहे हैं, ऐसा ही? बिल्कुल ऐसा ही है, आपके फोकस क्लियर होता है, आपके गोल्स क्लियर होते हैं, आपके टारगेट्स क्लियर होते हैं, आपको एक आपके पास एक एम होता है, आपके पास एक विजन होता है कि इफ इट्स 10 आपको 10 पे ही जाके जो है ना हिट करना है, उससे कम में नहीं जाना। जबरदस्त। और ऐसे लोग हमारे अल्लाह ना करे मुश्किल के वक्त फोर्सेस में ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जब खुदा न खास्ता कोई दूसरा मुल्क हमला करता है तो फिर एक आवाज़ अगर आए कि भाई लबैक करें भाई, तो ऐसे लोगों जो है ना बड़े कारामत साबित होते हैं जिनकी ट्रेनिंग हुई भी होती है, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, हमारे पास उनके बराबर में तशरीफ़ रखती हैं, और जिस तरह भी शहवार से बात हुई, मरियम से बात हुई, तो अस्मा बिनते खालिद ये भी आर्चर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आप मुझे तो लग रहा है सीधा आप आ गए हो अपनी ट्रैक सूट में डायरेक्ट यहाँ पर। अच्छा जी, एक ही कॉलेज यूनिवर्सिटी? नहीं, एक्चुअली हम लोग अलग क्लब से हैं, लेकिन हम साथ खेलते हैं। मैं एक्चुअली इंटर स्कूल से आर्चरी में आई थी, ये लोग यूनिवर्सिटी से आए थे। माशाल्लाह, हम लोग बहुत बाद में मिले ये लोग। आपका इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ? मैं एथलीट्स में थी, उसके बाद सर मुझे लेकर आया कि मेरा शौक है स्पोर्ट्स में, तो वो मुझे एक आर्चरी में लेकर आए। फिर जब मैंने एक दफ़ा खेला तो फिर मेरी पोजीशन आ गई, उसके बाद से मेरा ये पैशन बनता गया कि मुझे खेलना है, ये खेलना है। फिर अब मेरी विश है कि मैं इसको इंटरनेशनल पे लेकर जाऊँगी। अच्छा, एक मैं एक क्वेश्चन कर रही हूँ, अब जिसका दिल करता है देन
वो इसका आंसर दे सकते हैं। कोई भी प्रोफेशन यूज़ करने से पहले, हम लोग किसी भी शोबे में जाने से पहले, देन हमारे जहन में एक चीज़ आती है हमारे पेरेंट्स के जहन में कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या बेनिफिट है। जैसे अभी क्रिकेट देखे जो जा रहे प्लेयर, वो माशाल्लाह नाम भी हो रहा है, पैसा भी आ रहा है, फ्यूचर भी ब्राइट है, फिर और बहुत सारे गेम्स हैं। एक आता है कि यार नहीं अपने मुल्क का नाम रोशन करना है, ये सेकंड ऑप्शन आता है, और या फर्स्ट है, जो भी जिसके जो भी जहन में, यानी कि ये ऑप्शंस है मैं ये कहूँगी। फिर कुछ और आता है कि नहीं यार मैंने अपने आप को थोड़ा, मेरी पसंद है, मेरा हैबिट है, जैसे कुछ लोगों को कलेक्शन ऑफ पिक्चर्स, तमाम जो बड़े बड़े हीरोज़ हैं उनकी कलेक्शन जमा करने का शौक़ होता है, कुछ लोगों को पेंटिंग करने का शौक़ होता है, वो अपने शौक़ की वजह से करते हैं, कुछ शायरी करते हैं, उनको इससे कंसर्न नहीं है, देन पैसे आ रहे हैं या मेरा फ्यूचर कंसर्न कर रहा है, नो वे। अब मुझे ये बताएं आप लोगों ने ये प्रोफेशन चूज़ करते हुए, देन व्हाट्स योर फोकस एंड व्हाट्स योर फ्यूचर, व्हाट्स योर इट्स मीन कि आपका क्या कॉन्सेप्ट, व्हाट्स योर कॉन्सेप्ट, कि क्या सोच के आपने ये चूज़ किया था, हु इज फर्स्ट वन यू आशा? देख के स्टार्ट किया, उस वक्त ऐसे कुछ नहीं था कि इससे अर्निंग वगैरह, ये ऐसे कुछ जहन में नहीं था, जस्ट शौक हुआ भाइयों को और अब्बू को लड़ते हुए देख कर। और भाई क्लब जाते थे वहाँ के, वहाँ से आके जो उनकी एक्साइटमेंट देखी ट्रेनिंग के बाद, इंस्पायरिंग के बाद, मैंने इसको ये पंच मारा, मुझे ये पंच लगा, तो वहाँ से जो है शौक हुआ। फिर उसके बाद सबसे पहले तो कोई भी स्पोर्ट हो, चाहे बॉक्सिंग हो, कोई भी स्पोर्ट हो, वो फिटनेस मेंटली जो है, मेंटली भी फिट करता है इंसान को, फिजिकली भी फिट करता है। दूसरी बात स्पोर्ट्स, जैसे आपने बताया ये आर्चरी एंड, चाहे बॉक्सिंग हो, कोई भी स्पोर्ट हो, इससे फोर्सेस में भी हम ज्वाइन हो सकते हैं, चाहे कोई भी स्पोर्ट हो, क्योंकि स्पोर्ट में फिट होता है फिजिकली भी मेंटली, तो वो किसी भी फोर्स में ज्वाइन हो सकता है। मीन इस तरह से एक प्रोफेशन भी हो गया, अगर फोर्स में ज्वाइन हो जाता है तो उसकी अर्निंग भी इस तरह से स्टार्ट हो जाती है। और इसके अलावा इंटरनेशनली अगर एक स्पोर्ट में खुद को रिप्रेजेंट करता है तो वहाँ से भी उसकी अर्निंग होती है, दैट्स गुड, विनिंग प्राइजेस वगैरह इस तरह। अच्छा, आसिया ने बहुत अच्छा क्लियर किया है कि मैं पहले इतनी देर से, क्योंकि मैं सोच रही हूँ एक आम आवाम बन के, और वहाँ जो लोग बैठे हुए वो करेंगे सोच रहे, अरे यार बॉक्सिंग में जाके इस लड़की ने क्या करना है, कोई बेनिफिट थोड़ी है, या उसका फ्यूचर थोड़ी है, क्योंकि फ्यूचर ज़रूरी है, ये नहीं कि हम उसको डिनाई कर सकते हैं, और फ्यूचर कंसर्न करता है हमारे पाकिस्तान, हमारे मुल्क से। ऐसे लोग जो बिल्कुल यूजलेस हैं या कुछ भी नहीं कर रहे, वो मुल्क के ऊपर एक, मैं कहती हूँ वो मुल्क को कुछ दे नहीं रहे ना, तो दो पॉइंट बहुत ज़रूरी हैं। अब अगर ये बच्चियाँ मैट्रिक करती हैं या इंटर करती हैं, देन ग्रेजुएट करती हैं, देन दे हैव, मैं ये कहूँगी कि इनके पास एक और एक सर्टिफिकेट्स है जो किसी भी फोर्स को ज्वाइन करने में, फोर्स को भी बेनिफिट है, मुल्क को भी, और उनको खुद से भी बेनिफिट है, और एक हेल्दी एक्टिविटी भी हो गई कि प्लस पॉइंट है, क्या कहते हो आप? बिल्कुल, इसमें सबसे बड़ा जो करेक्टर आता है वो हेल्थ का ही आता है। आप जब कोई भी स्पोर्ट करते हैं, चाहे वो आर्चरी हो, चाहे वो बॉक्सिंग हो, चाहे कुछ कोई भी एक फिजिकल एक्टिविटी हो, उसमें जो है ना आपका सबसे पहले डिपेंड करता है कि आपका हेल्दी लाइफ स्टाइल कैसा है। तो आप जब भी कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं तो वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट आपकी जो है ना मेंटल और फिजिकल हेल्थ को करता है, जिसमें सारी चीज़ें जो है शामिल होती हैं। आप अपनी हेल्थ का ख्याल कर सकते हैं, आप अपनी फिजिकल स्टेट का ख्याल रख सकते हैं, और सारी चीज़ों को जो है ना मद्देनजर रखते हुए आगे अपना लाइफ में हेल्दी लाइफ स्टाइल आगे प्रोसीड कर सकते हैं। गुड। अच्छा, अब बहुत सेंसिटिव क्वेश्चन, मुझे ये बताया अर्शद, नदीम का पैकेज रेडी है? नदीम भाई आ गए, सॉरी अदनान भाई, ज़रा मुझे इसका रिप्लाई कर दीजिएगा। अच्छा, दूसरा ये है कि बहुत सेंसिटिव क्वेश्चन, वो ये कि ऑफ कोर्स मुल्क की बात कर रही हूँ। अच्छा, पैकेज रेडी है तो प्ले कर दिए जाए। यस, हम लोग चलते हैं, अर्शद नदीम ने स्पेशल, उनको हम हमारी टीम की जानिब से, विनर्स एचडी टीवी की जानिब से कॉन्ग्रेचुलेशन, बिकॉज कॉमनवेल्थ में उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर क्या लिया है, जी हाँ, गोल्ड मेडल। तो लेट्स सी उनका एक स्पेशल पैकेज देखते हैं। एक बार फिर खुश आमदेद एंड गुड मॉर्निंग विद सभी में, एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और बात करूँगी। हमारे साथ ऑफ कोर्स बड़ी प्यारी प्यारी बच्चियाँ मौजूद हैं, और एक डिफरेंट प्रोफेशन यानी कि बॉक्सिंग से, एक तीर कमान जैसे आर्चर कहते हैं उससे रिलेवेंट हैं, और मैं बात करूँगी अर्शद नदीम की। ही इज़ अ प्राइड ऑफ पाकिस्तान एंड 14 अगस्त पर उन्होंने सरप्राइज दिया है हम लोगों को, और हम सब हैप्पी हो गए, पूरे मुल्क में धूम मची हुई है। ही इज़ अ प्राइड ऑफ पाकिस्तान
एंड कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन वीनस टीवी की जानिब से एंड गुड मॉर्निंग विद सभी की जानिब से अरशद नदीम को सलाम। जी हम चलते हैं अपने सेगमेंट की जानिब और आज स्पेशली रेलेवेंट टू 14 अगस्त हमने स्टार्ट कर दिया और वो तमाम लोग जिन लोगों ने पाकिस्तान में अपना वकार बुलंद किया है, झंडा बुलंद किया है, वो हमारे मुल्क के प्राइड ऑफ पाकिस्तान है। और हमने स्पेशल सेगमेंट क्रिएट किया है स्पेशली गुड मॉर्निंग विद सभी में, तो वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर है 03-15-8248-704। हम अपने सेगमेंट की जानिब चलते हैं और हमारे गेस्ट की जानिब चलते हैं। मैं चलती हूँ निम्रा की तरफ। निम्रा, ऑफकोर्स यहाँ पर प्रोफेशन की बात हो रही है, यहाँ पर आपके गेम्स की बात हो रही है, ऐसा ही है। अब ये बताइए कि आने वाली और यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम आजकल देख रहे हैं जो है टाइम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है, मतलब जो जैसे दौर है जदीद होता जा रहा है, टेक्नोलॉजी का दौर, पर मुश्किल भी होता जा रहा है इतना ही। तो मैं गर्ल्स को यही कहूँगी कि गर्ल्स जो है स्पोर्ट की तरफ आएँ, ताकि वो जो है अपना सेल्फ डिफेंस भी सीखें और उसके अलावा जो आगे जो डिफ़िकल्ट टाइम है, ताकि जब वो टाइम ऐसा अल्लाह नहीं करे पर आ जाए तो वो उसको फेस कर सकें। क्योंकि हमारे पेरेंट्स हैं वो तो हमारे लिए अच्छा ही सोचते हैं, पर वो हर वक्त हमारे साथ नहीं रह सकते। तो इस वजह से मैं पेरेंट्स को भी यही कहूँगी, वो अपनी जो बेटियाँ हैं उनको परमिशन दें, इजाज़त दें, ताकि वो जाएँ और मीन्स स्पोर्ट है या जो जो फील्ड वो ज्वाइन करना चाहती हैं करें, ताकि अपने मुल्क का भी नाम रोशन करें और अपने लिए भी कुछ कर सकें। दैट्स गुड। अच्छा, उनके बराबर में तशरीफ रखती हैं, मैं उनसे बात करती हूँ। और ऑफकोर्स फ्यूचर प्लान्स हमारे बहुत सारे होते हैं और प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं। बड़ा इम्पोर्टेंट वो है कि इन्होंने कहा मेरे तो घर में ही वालिद साहब थे, लेकिन मैं सोच रही हूँ मैं उनसे सवाल करूँ कि उनके तो फादर अट्रैक्शन थे। जिन लड़कियों के ऐसा नहीं होता तो वो ऑफकोर्स आपको शुरू में इनिशियली आपके फादर को किसी ने पॉइंटेड किया है कि यार बेटी को क्या बना रहे हो, कल शादी करके देना है, ऐसा कुछ हुआ तो प्रॉब्लम्स? जी मैम, शुरू में फैमिली की तरफ से और जो नेबर से उनकी तरफ से आया था, उनसे हमारी फैमिली ने तो हमसे वास्ता ख़त्म कर दिया, फिर बाद में अब हमारी अचीवमेंट देखते हैं। यस मैम, वेरी बैड। यस जी, अब जो हमारी अचीवमेंट्स देखते हैं तो वो खुद अब फ़ोन करके बोलते हैं कि आप लोग आते ही नहीं, ये वो, खुद उन्होंने जो है वो उस चीज़ पर शेम है कि क्यों उन्होंने हमें शुरू में इस चीज़ से मना किया था। अब खुश होते हैं, वो भी खुश होते हैं हमारे अचीवमेंट्स देख के। और अपने बच्चों से कहते हैं कि आप लोग भी कुछ करो। जी मैम, फैमिली में और भी बहुत सारे जो हैं हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, वो खुद अपने बेटियों को सेंड कर रहे हैं फॉर बॉक्सिंग। हमसे दूर है नहीं तो वो हमारे पास ही आते सीखने, वो भी उन्हें भी सेंड कर रहे हैं, वो अपने बेटियों को सेंड कर रहे हैं और दूसरे स्पोर्ट्स में वो जा रहे हैं। जी ऑफकोर्स, वो कहते होंगे ना देखिए ना मामू की बेटी कहाँ की बड़ी, मुझे भी शौक है, मैं जाना चाह रही हूँ। तो फिर क्या होता है, एक ना कोई इंस्पिरेशन बनता है तो फिर दूसरे उनको अपने बच्चों को थोड़ा सपोर्ट मिल जाती है, यानी आप अपने लिए भी सपोर्टिंग है, आप दूसरों के लिए भी इंस्पिरेशन है। ये बड़ी पॉजिटिव बात है। अच्छा जी, हम इस बहन से बात करूँगी, शहवार से, और शहवार से ये पूछूँगी कि इनिशियली तो मेरे ख्याल में ये तो वैसे ही इनडोर गेम है, इसके लिए कोई इतनी टिपिकल आपको फेस नहीं करना होगा हो कि भाई यार गेम कर रही हूँ मुझे कोई प्रॉब्लम है। क्या कभी आपको फील हुआ है कि यार मैं ये गेम खेल रही हूँ, मेरे घर वाले, मेरे भाई, मेरे वालिद साहब, मेरे रिलेटिव वो कहते होंगे यार इसका क्या मकसद है आप खेलो, कभी ऐसा प्रॉब्लम हुई है? ऐसा नहीं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि मैंने स्टार्ट यूनिवर्सिटी में आके करा था और ये इंडोर भी है आउटडोर भी है, और इसका इत्तेफाक से मेरे फादर भी अब इसी फील्ड में आ गए, मतलब अब मेरे फादर भी खेलते हैं आर्चरी, मेरी छोटी बहन भी खेलती है आर्चरी। तो क्योंकि हम लोग मतलब हम लोग फैमिली के तौर पे इस स्पोर्ट में हैं, तो इस वजह से ज़्यादा मसला है। वाइदर मैंने कॉल, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सभी कैसी हैं आप? बेस्ट, आप सुनाइए। पहले तो माशाल्लाह इन तमाम बच्चियों को मेरा सलाम हो, और ये हमारा फख्र पाकिस्तान है ये लोग, और ये हमारा फ्यूचर है। यकीन करें कि मुझे इतनी खुशी हो रही है, जैसे अरशद मलिक ने जो जीता है तो 14 अगस्त का तोहफा है हमारे लिए, आप यकीन करें। और हम लोग एक्चुअली सेलिब्रेट नहीं करती चीज़ों को, हमें क्रिकेट के अलावा कुछ समझ ही नहीं आता भाई, क्रिकेट के अलावा भी चीज़ें। ये बच्चियाँ बैठी हैं, मेरी लियारी की बच्चियाँ, प्यारी प्यारी बच्चियाँ बैठी हैं जिन्होंने मेहनत की है नामसाई हालात में। लियारी का मुझे पता है कि वहाँ कितने नामसाई हालात है। बिल्कुल, इस दौर के अंदर अगर वो फिर भी अगर अपने टैलेंट से, अपने पैशन से निकल के आती है तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, वो भी बॉक्सिंग जैसे खेल के अंदर। ये कितनी बड़ी बात है,
यहाँ बच्चे टैलेंटेड निकल रहे हैं, और फिर आर्चरी में भी आर्चरी, ये सब चीजें ऐसी हैं जो कॉमन नहीं है, जो हमारे यहाँ आमतौर पर नहीं होती। इसके लिए बड़ी मेहनत स्ट्रगल करनी पड़ती है, अपने घर वालों को भी समझाना पड़ता है और घर वालों की सपोर्ट भी लेनी पड़ती है। तभी मैं तो ये कहता हूँ कि भाई बात ये है कि हमें, हमारा जो इतना बड़ा रॉ टैलेंट है, इतनी बड़ी यूथ है हमारे पास, हमें गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको सपोर्ट करें, क्रिकेट के अलावा भी लोग इन पे पैसा लगाएं और इनको इनको सहूलतें दें। देखिए बात पता है, हमारे यहाँ जो है ना, कहते हैं ये बड़ी जरखेज है, ये हमारी बत्ती जरखेज, जरा इसको नम करने की जरूरत है, इसको हमें नम करना चाहिए। मेरा सवाल इन बच्चियों से ये, मेरी बच्चियों, मेरी प्यारी बच्चियों, हमें तुम पर फखर है, लेकिन तुम हमें ये बताओ कि तुम्हें हमसे क्या चाहिए, हम तुम क्या मांगते हो हमारे, तुम्हारे क्या प्रॉब्लम है जो हम सॉल्व कर सकते हैं या हमारी गवर्नमेंट सॉल्व करती है, हो ना हो, लेकिन आप जब लग पे कोई चीज लाते हैं तो यकीनन असर करती है। थैंक यू सो मच। या जी जी, ये सवाल जो आपने लास्ट में किया ना, वो तो पहला मैंने समझ में आया कि जरा नम हो, ये मट्टी बड़ी जरखेज है, इन बच्चों को क्या प्रॉब्लम है हमसे कहें, तो मैं इन सबको लेके आ रही हूँ आपके पास। देखिए मेरी एंड पे मैं तो बोलने वाला आदमी हूँ, यकीन करें जिस फोरम पे बोलता हूँ मेरी कैपेसिटी जो, मैं उतना काम करने के लिए तैयार हूँ, आप जिस फोरम पे मुझे बुलाएगी मैं आऊंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, इतना अप्रिशिएट, ये इनकरेजमेंट, ये हौसले बढ़ते हैं और आगे बढ़ के आगे कदम रखने को दिल करता है। अच्छा, जिस तरह इन्होंने कहा कि प्रॉब्लम्स और सपोर्ट, ये दोनों चीज़ें, पहले मैं आसिक की तरफ चलती हूँ, फिर उसके बाद पूछती हूँ निम्रा, आप दोनों से पूछती हूँ, ये बताएं प्रॉब्लम्स जी आगे फेस करना है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स हैं, क्या कहते हैं कि यार गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, फादर को क्या प्रॉब्लम हुई, अफकोर्स इंसान को, क्योंकि बॉक्सिंग में एनर्जेटिक चीज़ें खाने की ज़रूरत होती है, ये नो स्ट्रेस में हो, घर में फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स हैं, फिर ये एक और बर्डन है, तो इसके लिए कुछ वेयरिंग, ये वो तमाम चीज़ें लवाजमत। जी जी मैम, पहले तो मैं ये कहूँगी डिफ़िकल्टीज एंड अप्स एंड डाउन्स तो लाइफ का हिस्सा है। गुड, आप किसी भी प्रोफेशन में हों या चाहे घर बैठे में हों, डिफ़िकल्टीज तो होंगी। अभी थोड़ा पॉजिटिव साइड हम देखें तो माशाल्लाह से अभी बहुत काम हो रहा है स्पोर्ट पर, एजुकेशन पर, गवर्नमेंट की तरफ से पॉजिटिविटी की तरफ जाएं तो माशाल्लाह से अब बहुत काम हो रहा है। डिफ़िकल्टीज तो हैं पर लियारी तो सिंध वालों का है जी, बेनज़ीर का है, बेनज़ीर प्राइड ऑफ पाकिस्तान, तो उसको तो मेरे ख्याल में इतनी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, बड़ी सपोर्ट करनी चाहिए सिंध हुकूमत को, आप लोगों को ख़ास तौर पर, क्योंकि ख़ास एक लिंक है ना लियारी, क्या कहते हैं आप? पर स्पोर्ट में ये जो है आजकल मींस जो खिलाड़ी के मतलब जो स्पोर्ट पर्सन होते हैं उनको स्पॉन्सरशिप का बड़ा इशू होता है। ओके, अब अरशद नदीम सर को भी मुझे ठीक से नहीं, हकीकत उनको कोई स्पॉन्सरशिप की जरूरत थी और उन्हें नहीं मिली, नहीं मिली, और अब जो है इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज कह रही है कि हम आपको स्पॉन्सर करेंगे, तो ये प्रॉब्लम तो है। निम्रा ने क्लियरली कह दिया, और ये मैंने भी वो मैं कहना नहीं चाह रही, लेकिन निम्रा ने आश्रय नहीं किया कि हकीकत है, उससे किसी ने भी नहीं सपोर्ट किया, उस बंदे ने खुद अरशद नदीम ने किया, अब सब उसको, बल्कि गवर्नमेंट ने भी उनको 50 लाख रुपए दिया, दैट्स गुड, लेकिन अगर उससे पहले कर देते तो बहुत अच्छा होता। लेट्स सी, हम भी इंतज़ार करते हैं कि कौन खुद कुछ करके दिखाए, उसके बाद पूरे दुनिया उसके पीछे है, मैं अकेला ही चला था जानवे मंजिल, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया, लेट्स सी। अच्छा जी, आप बताइए कि गवर्नमेंट का है कुछ सपोर्ट, लगता है कि आगे कोई फ्यूचर प्लानिंग है? उसने इनकार किया है, मेरी बच्ची बताइए जी, यूं इनके जो सर है ना, क्रिकेट के अलावा कहीं पे भी गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं। अब मैं पता, जब या बात करी थी ना कॉलर, तो मैं यूं करी थी, मैं हूं ना अब ये प्लेटफॉर्म आप जैसे लोगों के लिए, नहीं है कसम खुदा की, आपसे वन पेनी नोट, जो आपने जब भी आपको लगे कि आपने आगे बढ़ना है, आपने आगे कदम उठाना है, तो गुड मॉर्निंग विद सभी एंड सभी पर्सनली आपके साथ, रियली मैं जहाँ तक होगा मैं आपको इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपकी आवाज़ ज़रूर यहाँ पे बुलंद करूँगी, ये मेरा आपसे कमिटमेंट, क्योंकि आर्चरी बहुत एक्सपेंसिव गेम है, उसमें स्पॉन्सर जब मिलेगा तभी कोई आगे आ पाएगा, गवर्नमेंट का सपोर्ट क्रिकेट के अलावा कहीं पर भी नहीं है। अगर हमें क्रिकेट का वो सॉरी स्पॉन्सर मिल जाए और सपोर्ट मिल जाए तो बहुत ईजिली पाकिस्तान जो है मेडल लेके आ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, इसमें कोई शक नहीं है रियली, और माशाल्लाह हर गेम में लड़कियां लड़के फ्रंट मैन बन के काम कर रहे हैं, रियली मैं सच कह रही हूँ, बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जिसको पाकिस्तान में शायद इतना नहीं, लेकिन मैंने देखा है बच्चियों ने आगे बढ़ के प्रेजेंट किया है, ये मैं सच बता रही हूँ। पाकिस्तान में अकेडमीज भी नहीं बनी हुई ज़्यादा, अगर आप इंडिया में देखें तो उसके हर शहर में अकेडमी बनी हुई है कि वो ओलंपिक्स में जाएँ, यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है, सिर्फ लाहौर में है, वो भी कुछ बच्चे वहाँ पर जाते हैं और उनको स्पॉन्सर नहीं मिलता, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती, फिर फाइनेंशियल की वजह से वो भी
नहीं जा पाते। चले खैर है, आप लोगों के लिए सरप्राइज है, कॉल फॉर यू। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, हमारे साथ कौन? हसन अब्दुल्ला बात कर रहा। हसन? हसन अब्दुल्ला सर। हसन बच्चियाँ हंस रही हैं जी। सर कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक जी। प्रोग्राम देख रहे हैं? जी जी प्रोग्राम देख रहा हूँ। बच्चे क्या कहना चाहेंगे? बच्चियों को एक अच्छा मौका दिया आप लोगों ने प्लेटफॉर्म पे अपनी आवाज बुलंद करने के लिए, अपने हुनर के बारे में बताने के लिए कि वो यहाँ तक किस तरह से पहुँचे। बड़ा अच्छा लग रहा है बच्चों को देख के यहाँ तक पहुँचने का। आप इनके कोच हैं, आप इन बच्चियों को आगे क्या प्रेजेंट होते हुए देखते हैं, फ्यूचर में इनका क्या सोच है वो बताइए सर। बच्चियां बहुत टैलेंटेड हैं और बहुत मेहनत और लगन के साथ जो है वो अपनी तैयारी कर रही हैं और डिफरेंट कॉम्पिटिशन के अंदर पार्टिसिपेट करती हैं, लेकिन क्योंकि अभी जो है गवर्नमेंट की सपोर्ट जो है वो बच्चों के साथ नहीं है, जब तक वो सपोर्ट नहीं होगी तो आगे बढ़ने में आपको पता है बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। सर आपने कभी गवर्नमेंट लेवल पे कोई लेटर पुट अप किया है या अपनी आवाज बुलंद की है या कभी वहाँ रिक्वेस्ट लेके गए हैं? जी जी बिल्कुल, गवर्नमेंट लेवल के ऊपर लेटर भी पुट अप किया है और डिफरेंट इदारों से कॉन्टेक्ट भी किए हैं, बच्चों की प्रोफाइल्स भी शेयर की हैं, हम डिफरेंट इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं और कैंप्स वगैरह डिफरेंट जगहों पे लगाते हैं, लेकिन क्योंकि हम बड़े बड़े हमारे पाकिस्तान के अंदर जो है प्लेयर मौजूद हैं वो उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो फिर आरसी तो अभी जो है बहुत मुश्किल ही लगता है कि इसको भी देखा जाए अभी तक, तो क्योंकि आरसी का एक प्रॉपर रेंज भी नहीं बनाई गई जिसके अंदर बच्चे अपनी खुलकर ट्रेनिंग कर सके। सर आप बिल्कुल हिम्मत ना हारें और मुझे नहीं लगता कि आप हिम्मत हारेंगे, क्योंकि आपने जब स्टूडेंट क्रिएट कर दिए तो एक दिन इंशाल्लाह ताला आप विन करोगे और बच्चियां विन करके आपका नाम और आपका वकार बुलंद करेंगी इंशाल्लाह। और बिहाफ ऑफ गुड मॉर्निंग विद सभी, मैं आपके साथ क्योंकि एज यूथ का पाकिस्तान बिकॉज मैं प्रेजेंट कर रही हूँ उसके प्लेटफॉर्म से एंड गुड मॉर्निंग विद सभी के प्लेटफॉर्म से जितना हो सकेगा मैं आपको ऑब्लाइज करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा जी, अच्छा लगता है जब टीचर अप्रिशिएट करते हैं? बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है। कितना हैप्पीनेस चेहरा देखिए उस्ताद का। कुछ लोग कहते हैं नहीं अभी, लेकिन मैं कहती हूँ अभी भी एहतराम है, मोहब्बत है और वो इंस्पिरेशन है हमारे लिए और टीचर ऑलवेज होते हैं और वो हमारे लिए बेहतर ही सोचते हैं, ऐसा है कि नहीं? चलिए जी, जाने का मेरे को टाइम हो गया, सबसे वन बाय वन एक एक खूबसूरत मैसेज ले लिया जाए। सबसे पहले जी हम चलते हैं आसिया की जानिब और आसिया के बाद फिर निम्रा एंड देन देन देन। ठीक है जी आसिया जी। में जा सकते हैं वो हमें स्टडीज़ में भी हेल्प कर सकते हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, उन्हें जाना चाहिए। और अपने जैसे निम्रा ने कहा सेल्फ डिफेंस के लिए, अपने लिए एंड अपने मुल्क के लिए जितना जा सकते हैं स्पोर्ट की तरफ जाएं। गुड, थैंक यू। एंड निम्रा, पाकिस्तान में तो टैलेंट बहुत है, यही ज़रूरत है उसको सामने लाने की। तो मीन्स ऐसे लोग हैं जो इसके लिए काम कर रहे हैं, तो मैं उनके भी शुक्रगुजार हूँ, थैंकफुल टू देम। और सर मोइनुद्दीन सर हैं जैसे, वो भी काफ़ी काम कर रहे हैं जो छुपा हुआ टैलेंट है उसको सामने लाने के लिए। और मैं आपके शो की भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने हमें इनवाइट किया और मतलब ये प्लेटफॉर्म दिया ताकि हम जो है और गर्ल्स को मोटिवेट कर सकें। अभी मुझे पता है कितनी गर्ल्स देख रही होंगी हमें, दे वर टेकिंग, मतलब वो मोटिवेट हो रही होंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, निम्रा ने बहुत अच्छा मैसेज दिया। और ये दूसरी आने वाली बच्चियों के लिए, उनके पेरेंट्स अगर ये प्रोग्राम देखेंगे, ये वायरल होगा ऑफ कोर्स, तो बहुत सारे लोगों को एक मोटिवेशनल मैसेज मिलेगा। जी शहवार, मैं ये कहना चाहती हूँ कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स में आएँ, क्योंकि ताकि हम लोग की अपनी हेल्थ और हमारे लाइफ स्टाइल की भी के लिए भी बेहतर हो और हम लोग इंटरनेशनली और नेशनली अपने मुल्क को रिप्रेजेंट भी कर सकें। दैट्स गुड। एंड यू मरियम? मेरा भी यही कहना है कि जितना पॉसिबल है गवर्नमेंट को चाहिए कि सपोर्ट करें, क्योंकि 90% ऑफ द चीज़ें जो है गवर्नमेंट के सपोर्ट से चल सकती हैं, हर कोई हर चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता। तो बाकी लोगों से भी गुजारिश है कि वो अपनी हिम्मत के तहत ग्राउंड में आएं और जितनी कोशिश है अपने बलबूते पे कम अज़ कम अपने आप को खुद रिप्रेजेंट फर्स्ट करें, ताकि जो है उनको गवर्नमेंट की तरफ से भी सपोर्ट आगे मिल सके। दैट्स गुड। एंड अस्मा, मैं भी इन्हीं के साथ हूं कि आप पहले स्पोर्ट्स में आओ, ये नहीं देखो कि फाइनेंशियल है या नहीं है और स्पॉन्सर मिल रहे नहीं है,
आप पहले अपने आप को दिखाओ, उसके बाद इंशाल्लाह गवर्नमेंट भी आपको सपोर्ट करेगी, तो फिर आप ओलंपिक्स में जा सकते हो, अपने आप को शो कर सकते हो, क्योंकि टैलेंट पाकिस्तान में बहुत है। गुड। अच्छा एक ये तो हमारी एक समझ लें आपके गेम से एक पाकिस्तान के लेवल पे बात हो गई, अब मैं वो बात कर रही हूँ जो जिंदगी में। अच्छा हमारे साथ एक कॉलर है, हेलो अस्सलाम वालेकुम, रुखसाना जैदी फ्रॉम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जैसे कोई गुड़िया नहीं बोलती, अस्सलाम वालेकुम। रुखसाना जैदी कैसे हो आप, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक है। माशाल्लाह जबरदस्त गेस्ट बुलाए आपने आज तो। They are pride of Pakistan. पाकिस्तान। वाकई जो हम लोगों की ये बहुत फखर की बात है कि हम लोगों के दरमियान से इतनी खूबसूरत, इतनी अच्छी लड़कियां, इतनी टैलेंटेड लोग मौजूद हैं कि मतलब बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि इतने मुश्किल हालात होते हैं और सब कुछ होता है, लेकिन उसके बावजूद इतनी ज्यादा प्रैक्टिस रखना करना और इतना मिले, ये बहुत ही कमाल की बात होती है कि और वहां तक पहुंचना और आप कहना सब कुछ करें, और स्पेशली ये जो मतलब ये गेम्स जो है, मतलब अमूमन लोग क्या करते हैं, वो जा रहे होते हैं क्रिकेट में जा रहे होते हैं, हॉकी में जा रहे होते हैं, मतलब जितनी कम तादाद है वो भी, लेकिन फिर भी, लेकिन दूसरे किस्म के गेम्स में आना बहुत ही रियली, इसके मतलब ये है कि मैं तो उनके पेरेंट्स को भी अप्रिशिएट करूंगी कि वो इनिशिएटिव लेते हैं, उनके इतना काम करते हैं। तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि सबसे ज्यादा किसने सपोर्ट किया? एक बात बताइए रुखसाना, क्या आप समझते हैं कि खवातीन को या बच्चियों को डिफरेंट गेम्स में जाना चाहिए, क्योंकि तीर कमान या बॉक्सिंग जरा डिफरेंट है, तो क्या समझती हैं कि हमारी बच्चियां अपना पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकती हैं? बिल्कुल बिल्कुल जाना चाहिए, हम लोग के यहाँ बहुत टैलेंट है, लेकिन उसको मतलब लाया नहीं जाता सामने, वो आ नहीं पाती, बहुत सब को शौक भी है लेकिन वो नहीं आ पाती, तो कुछ गवर्नमेंट को इस तरह के इन्हीं जैसे आप लोग सामने ला के बता रहे हैं, तो गवर्नमेंट को भी चाहिए और आवाम को भी, जिनको भी नॉलेज है वो बताए, क्योंकि लोगों तक नॉलेज भी नहीं है कि हम किस तरह पहुंचे, किस तरीके से आगे बढ़े, वो चीजें है नहीं, तो उनको यानी दूसरे ममालिक में तो शुरू से बच्चों को ट्रेन किया जाता है कि आप इसमें जो टैलेंट देखा जाता है उस तरफ लाया जाता है, कि अगर किसी को बॉक्सिंग का शौक है तो उसको शुरू से उन ट्रेनिंग सेंटर्स में डाल दिया जाता है, फिर वो गेम्स जीत के आते हैं, इंटरनेशनली जीत के आते हैं। तो हम लोग के यहाँ बहुत सारे टैलेंट जाया हो रहा है इस तरीके से, वरना हम लोग को गोल्ड मेडल्स देखे, इंडिया इतने जीत सकते, दूसरे ममालिक इतने जीत सकते हैं, तो हम लोग भी गोल्ड मेडल बहुत जीत सकते हैं, लेकिन बस सिर्फ ये है कि वहां तक पहुंचने की बात है। बेशक वहां तक पहुंचने की बात है, इट्स मीन वी वांट रिक्वायर्ड ब्रिज, हम लोगों को एक ऐसा ब्रिज चाहिए जिससे हम उस मकाम तक पहुंच सके रेलेवेंट टू गवर्नमेंट, और वो मैं जो काउंट कर रही हूँ वो ब्रिज टू सपोर्ट फॉर स्पॉन्सर लाइक गवर्नमेंट, पहले गवर्नमेंट स्टेप लेगी देन फिर और स्पॉन्सर। थैंक्स फॉर रुखसाना जैदी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा जी, जिस तरह इन्होंने कहा कि जैसे आप लोगों ने भी यही मुझे मेंशन किया, देन नोबडी सपोर्ट विद अस, ना हमारे साथ कोई सपोर्टिंग हैंड ही नहीं है कि हम अपने चीज़ों को आगे प्रेजेंट कर सकें, फिर पेरेंट्स भी समझते हैं यार तुम अब पैसा ज़ाया कर रहे हो, बार बार पिंच कर रहे हो, वो जब फिर पहुँच जाओ तो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर उसके पहले हो जाए तो कितनी अच्छी बात है, क्या कहते हो? बिल्कुल ऐसे ही है, आप जब कुछ अचीव करते हो तो आपके पेरेंट्स आपको उससे ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, बस इनिशियली यही होता है कि जो है ना आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ता है, वेदर यू आर इन ग्राउंड और आप अपने घर में हो, पहले आपको कहीं ना कहीं आपको अपने कोच को, आपको अपने प्लेयर अपने मेट्स को कहीं ना कहीं आपको प्रूव करना पड़ता है कि आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज़ हैं, अगर आप आगे जाते हो देन यू विल अचीव समथिंग। अच्छा आपको फील नहीं होता होगा, सॉरी अब डिसाइड करने वाला सवाल है, बाहर मुल्क में, अब चले इंडिया को ही देख लें, वो अपने मुल्क के बच्चों को, टैलेंटेड लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, और वो लोग फिर एशिया लेवल पर जब जाते हैं हर गेम्स में वो ज़्यादा से ज़्यादा मेडल्स लेकर आते हैं, रीज़न सपोर्ट फॉर गवर्नमेंट। अब हमारे मुल्क में यही यहीं पर ही हम लैक कर जाते हैं,
देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो इसराइल हो, चाहे वो कोई और कंट्री हो, जिस पे हम बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं और वो हमारी नज़रों में तनकीद का निशाना रहते हैं, उनके आगे बढ़ने की वजह यही है कि आपस में उनकी यूनिटी जो है, आपस में उनका सपोर्ट जो है, आपस में उनकी स्ट्रेंथ जो है, वो अपने लोगों के लिए बहुत ज़्यादा है. वो कोई स्पेसिफिक एक कम्युनिटी नहीं देखते, कोई एक सेक्टर नहीं देखते, कोई एक ऐसा इंडिविजुअल नहीं देखते जिस पर वो सिर्फ एक फोकस करें. अगर उनके लिए क्रिकेट इंपॉर्टेंट है तो उनके लिए हॉकी भी उतनी इंपॉर्टेंट है, अगर उनके लिए हॉकी इतनी इंपॉर्टेंट है उनके लिए आर्चरी भी उतनी इंपॉर्टेंट है. तो इसमें कोई निग्लेक्शन नहीं है, उसमें कोई जो है ना आप कह सकते हैं कि उसमें कोई कंपेयर नहीं करते वो आपस में कि इफ इट्स अ डिफरेंट स्पोर्ट तो उसमें जो है ना तवज्जो नहीं देनी चाहिए, इस पे तवज्जो देनी चाहिए. लेकिन हम यहाँ पे ये फेस करते हैं कि अगर क्रिकेट एक चल रहा है तो वो क्रिकेट पे ही, अगर हम यहाँ पे देखें कंपैरिजन बेसिस पे तो हॉकी को भी उतनी तरजीह नहीं दी जाती जितनी जो है ना पाकिस्तान में क्रिकेट को तरजीह दी जाती है, ऑल्दो पाकिस्तान का नेशनल गेम जो है वो हॉकी है. तो इसी तरह अगर हम दूसरे गेम्स पे भी उतनी तरजीह दें जितनी हम क्रिकेट पे तरजीह देते हैं, तो इंडिविजुअल हर एक बंदा जो है पाकिस्तान में बेइंतहा टैलेंट रखता है. दैट्स गुड. और इसमें कोई शक नहीं है, हम लोग तो चलो आंखें हाथ पैर, लेकिन हमारी एक टीम यहाँ पर मेरे मॉर्निंग शो में आई थी और वो ऑफकोर्स टांगों से महरूम थे, तो स्पेशल लोग थे और उन्होंने दूसरे मुल्क एशियन लेवल पर विन करके आ गए. रियली गोल्ड मेडल में हैरान परेशान, रियली अप्रिशिएट करने वाली बात है कि उन लोगों ने विन किया, वो मेरे मॉर्निंग शो में आए. तो हमारे मुल्क में कहने का मकसद है लॉट्स ऑफ टैलेंट हर फील्ड से, हर गेम से, लेकिन सिर्फ यहाँ पर सिर्फ ऑबलाइजेशन यानी ऑबलाइज करना ही लैक करता है. थैंक यू सो मच. जाते जाते कुछ अगर कभी होता है, कभी मिली नगमा, दिल में पाकिस्तान की मोहब्बत गुनगुनाते हैं ना, हंस रहे हैं. अब मेरे साथ आप लोगों ने दिल दिल पाकिस्तान विद क्लैप करना है, ठीक है, और फिर हम लोग खुद आफिस करेंगे, हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब चलेंगे, ठीक है जी. चले जी मेरी प्यारी प्यारी बहनें, मैं देखे मैं अकेले नहीं गाऊंगी, पहले गाएंगे फिर खुद आफिस, अब मैं कर नहीं गई. चले जी, वन टू आसिया निम्रा यू एंड यू. अच्छा भाई दो कॉलर रेडी हो जाए, कॉल के बाद हम गाएंगे दिल दिल पाकिस्तान. हेलो अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम जी. हुसैन थे वो सीनियर तज्जिया निगार एंड एंकर, कैसे हैं आप जी? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं? आपकी जो आवाज सुबह सुबह मैंने सुनी है तो मैं और मजीद खुशी से जो है वो बेहाल होने लगा हूँ. आप कैसी हैं? आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, आप लोगों को इनकरेज करते रहते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं, वेरी वेल डन. थैंक यू सो मच. इन बच्चियों के बारे में, क्योंकि ये सब गोल्ड मेडलिस्ट हैं, एक बॉक्सर भी हैं, यहाँ तीर कमान की भी बच्चे हैं, क्या कहते हैं हुसैन भाई? अच्छा देखिए ना, हम अगर कंपैरिजन करें पाकिस्तान को, पाकिस्तान में तो हमारे यहाँ मसला ये है कि हमारे यहाँ रोटी के लोले पड़े रहते हैं कि रोटी मिल जाए. ये जो अभी जितने भी बाहर जाके लोग हमारे पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लेके आ जाते हैं, मैं इनको सलूट पेश करता हूँ कि ये पाकिस्तान जैसे मुल्क में अभी हम उतने लेवल तक अपने आप को डेवलप नहीं कर सके. अगर हम बाकी लोग मुल्कों को देखें तो वहाँ पे प्रॉपर एक बजट होता है, वहाँ पे उनके स्कूलिंग होती है, उनके बच्चों को, उनके फैमिलीज को, उनके पेरेंट्स को इंसेंटिव दिया जाता है कि अगर आपका बच्चा आके किसी भी खेल में पार्टिसिपेट कर रहा है तो ये समझे उसकी सैलरी है. यहाँ तो सब कुछ उल्टा होता है, बच्चे हमारे खुद ही कर रहे होते हैं, खुद ही खेल रहे होते हैं, खुद ही अपना आप को भी बना रहे होते हैं, पाकिस्तान का नाम बना रहे होते हैं. कि वी आर रियली प्राउड ऑफ इट कि हमारे पास ऐसे बच्चे हैं जो जाके गोल्ड मेडल भी लेके आ जाते हैं, और इनके लिए तो बहुत शाबाश है जिन्होंने हमारे मुल्क का नाम रोशन किया है. वी आर रियली प्राउड ऑफ इट. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक्स फॉर कॉलिंग. हुसैन तैबू हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर एंकर पर्सन है और बेहतरीन तजिया निकाल, इंडिया लेवल पर भी इन्होंने कॉल्स करके उन लोगों की दबंग जी हाँ पछाड़ कर दी थी. अच्छा जी, हम लोग अभी चाहेंगे इजाज़त, लेकिन एक दिल दिल पाकिस्तान हो जाए लास्ट में, वो गाना है देखो, वो बुलबुल नहीं है मोहब्बत है तो दिल दिल पाकिस्तान है. थैंक्स फॉर, आपका भी बहुत शुक्रिया है ना, आपका भी बहुत शुक्रिया जी. नाज़रीन यहाँ पर हम ब्रेक लेंगे, मिलते हैं ब्रेक के बाद. गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ एन दिल दिल पाकिस्तान. चलें जी, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद.